हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप लोग दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है गाड़ी के ब्रेक पैड पे कि दोस्तों गाड़ी के आपको ब्रेक पैड कब चेंज कराने हैं, कैसे आपको पता चलेगा कि दोस्तों अभी गाड़ी के ब्रेक पैड जो है चेंज करा लेने चाहिए। तो दोस्तों ये मारुति अर्टिगा है और मैं इसके दो बार ब्रेक पैड चेंज करा चुका हूँ और अभी इसको गाड़ी को 3 साल हो चुके हैं और ये गाड़ी 52,000 किलोमीटर चल चुकी है। पहली बार जब चेंज कराए थे तो 26,000 किलोमीटर मैंने चेंज कराए थे और अभी दोस्तों 52,000 पे मैंने इसके दोबारा ब्रेक पैड चेंज कराए। तो इस वीडियो में अपन देखेंगे कि दोस्तों कब आपको ब्रेक पैड चेंज कराना चाहिए, कैसे आपको पता चलेगा कि गाड़ी का जो है ब्रेक पैड चेंज करा लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों अपन देखते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि गाड़ी का ब्रेक पैड आपको चेंज करा लेना चाहिए। तो दोस्तों जब भी आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो आपकी गाड़ी से एक चर-चर करने की आवाज़ जो है आने लगती है, एक टाइम आने के बाद जब वो घिस जाता है ब्रेक पैड। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गाड़ी का जो ब्रेक पैड की जो विड्थ आती है वो लगभग 12 mm आती है और वो घिस के जब 2 से 3 mm रह जाती है तब दोस्तों एक सेफ्टी पिन उसमें होती है। मैं आपको इस वीडियो में आगे दिखाऊंगा वो सेफ्टी पिन कौन सी होती है और कितना घिसने तक आपको वो ब्रेक पैड काम में लेना चाहिए। तो दोस्तों वो जब 2 से 3 mm की बच जाती है तब वो सेफ्टी पिन जो है वो डिस्क टकराती है, तब जाके वो एक आवाज़ आपकी गाड़ी में से आने लगती है चर-चर करने की। जब भी आप ब्रेक मारते हैं तब वो आवाज़ आती है, तब आपको समझ जाना चाहिए कि आपको गाड़ी का ब्रेक पैड चेंज कराने की ज़रूरत है। ज़्यादातर गाड़ियों में जो आगे वाले ब्रेक होते हैं वो डिस्क ब्रेक होते हैं, पीछे वाले ड्रम ब्रेक होते हैं। तो दोस्तों जब भी अपन ब्रेक अप्लाई करते हैं तो 70% आगे वाले ब्रेक लगते हैं और 30% पीछे वाले जो ड्रम ब्रेक होते हैं वो लगते हैं। तो दोस्तों जब लगभग मान लो आप 30,000 किलोमीटर पर यदि आगे वाले ब्रेक पैड घिस रहे हैं तो लगभग ये 1 लाख के आसपास चल जाने चाहिए। तो पीछे वाले ब्रेक जो है इतना जल्दी नहीं घिसते, लेकिन आगे वाले जो ब्रेक होते हैं वो बहुत ज़्यादा बार बार यदि आप अप्लाई करते हैं तो वो धीरे धीरे घिस जाते हैं। जो 12 mm का जो उसका विड्थ रहता है वो धीरे धीरे घिस घिस के 2 से 3 mm का रह जाता है। जब अपन ब्रेक पैड से ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वो जो प्रेशर होता है वो मास्टर सिलेंडर के अंदर जाता है और मास्टर सिलेंडर के थ्रू वो ब्रेक पैड पे जाता है और ब्रेक पैड डिस्क से जाके चिपकता है, जिससे कि लेदर और डिस्क से के बीच में रगड़ होने से गाड़ी रुकती है। चलिए दोस्तों अभी देखते हैं कि गाड़ी के ब्रेक पैड चेंज कैसे होते हैं। आप ये वीडियो देख सकते हैं यहाँ पर। दोस्तों जब भी अपन बार बार ब्रेक अप्लाई करते हैं तो लेदर का जो मिक्सचर रहता है वो डिस्क और लेदर के रगड़ने से वो वहाँ पे जम जाता है धीरे धीरे। इस तरह से टायर गर्म होने की सिचुएशन आ जाती है, तो ज़रूरी है कि आप इसे प्रॉपर क्लीन कराते रहें और क्लीन करा के इसको ग्रीसिंग करा लें ताकि गर्म होने की सिचुएशन ना आए। तो दोस्तों ये जो सेफ्टी पिन होती है जो मैं आपको बता रहा था, ये आप देख सकते हैं ये लगभग पूरा घिस चुका है और सेफ्टी अलार्म बजने लगा है इसमें चर-चर की। दोस्तों इस तरह पता लग सकते हैं कि आपकी गाड़ी के डिस्क पैड घिस चुके हैं और सेफ्टी अलार्म बजने से थोड़ा सा पहले ही आप लेदर चेंज करवा लें तो काफ़ी बेहतर रहेगा। तो दोस्तों कार के लेदर के ऊपर ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस आगे मिलते रहें। दोस्तों यदि आपको कार और बाइक में कोई भी इशू है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा क्योंकि आप सबकी वजह से ही 1 लाख सब्सक्राइबर कम्प्लीट होने वाले हैं। सिर्फ कुछ ही सब्सक्राइबर बचे हैं, इसके बाद दोस्तों अपने चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर कम्प्लीट हो जाएंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।